आज एक सोशल मीडिया के कारण एक दोस्त ने अपने दोस्त को खो दिया। जी हाँ गाइस, इस वीडियो को एग्जैक्टली शुरू से लेकर एंड तक देखना। मैं आप लोगों से एक एक बात जो भी बताने वाला हूँ एकदम रियलिटी बताने वाला हूँ। गाइस यार, आप लोगों को पता ही होगा कि सोशल मीडिया पर मैंने कुछ दिन से यार एक सारस और एक आरी भाई का मैंने दोस्ती काफ़ी ज़्यादा मैंने चर्चा में चल रहा था। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, वीडियोस वगैरह उनके क्लिप को, रील्स वगैरह वीडियो वायरल हो रही थी। और उनकी दोस्ती यार मैंने ऐसे थी भाई साहब, एक जीव से एक जानवर से दोस्ती करना और उनको अपने जैसा बनाना यार, अपना लैंग्वेज सिखाना क्या कितना मुश्किल होता है यार। और बाद में अगर आपसे कोई आपका दोस्त अगर छीन ले जाए या फिर बोलो यूँ कहें कि आपसे खो जाए या फिर आपसे बिछड़ जाएगा भाई साहब, तो आपको कैसा महसूस होगा आप समझ सकते हो। आरिफ भाई के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। जी हाँ गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सोशल मीडिया यार कुछ ऐसा भी होता है ना कि सोशल मीडिया के कारण से आपको नाम फेम वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन वही सोशल मीडिया के कारण कुछ लोगों को दर्द या फिर दुख दे जाती है। जी हाँ, ऐसे ही आरिफ भाई के साथ हुआ, आरिफ सारस की कहानी। आरिफ भाई और सारस दोनों यार इतने ज़्यादा, मतलब एक बोलोगे ना फ्रेंड एज ए फ्रेंड यार, उनको मैंने नहीं लग रहा था कि वो कोई मैंने पक्षी को पाल रहे हैं। मैंने एज ए फ्रेंड के तौर पर वो दोनों यार वन विभाग वाले सारस को आरिफ भाई से छीन कर ले गए। क्यों छीन कर ले गए? क्योंकि ये गैर कानूनी था। आप कोई पक्षी को पालते हो, जैसे कि भाई साहब देखो नॉर्मली तोता मैना ये सब तो नॉर्मली चलता है, लेकिन आप इससे बढ़कर भाई साहब जो राष्ट्र का कोई चीज़ रहता है, कोई ऐसी चीज़ रहती है भाई साहब जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये लीगल नहीं होता है। जी हाँ, और आरिफ भाई यार सारस को मतलब पाले एज ए फ्रेंड के तौर पर यार, इतना ज़्यादा वो बचपन से यार उनके साथ सब कुछ अपना लैंग्वेज वगैरह सब कुछ वो सिखा दिए। अब भाई साहब बात होता है कि वो यूट्यूब के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से वायरल हो गए। अब वायरल हो गए भाई साहब तो उनको तो हसाब न्यूज़ चैनल्स वाले उनके पास आने लगे, इंटरव्यू लेने लगे। तब ये वायरल होना भी कितना बड़ा यार मैंने गुनाह होता है, उनका दोस्त उनसे बिछड़ गया वायरल होने के कारण। जी हाँ, क्यों? क्योंकि यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले को पता चल गया कि इनके पास ये है, तब छोड़ेंगे थोड़े भाई साहब, ले गए, बिछड़ गया एक दोस्त से। जानते हो ये बहुत ही, मुझे लगता है ये सरासर गलत हो रहा है यार। तो जब कोई पिंजड़े में बंद करके रखता है वो अलग बात है, लेकिन दोस्त के भांति रहना यार उनके साथ, आप समझ सकते हो यार। तो अब अरे भाई आप टेंशन ना लो, आप क्या ही बोलूँ यार, जो होने का था तो वो तो हो ही गया। सो गाइस, बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आरिफ भाई के साथ हम लोग सपोर्ट में हैं, खड़े हैं, आप टेंशन ना लो। मिलना चाहूँगा अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।